आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपके मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, असर हाजिर को सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवानों की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया से जुड़ रही है। एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग फाइनल ईयर से अपने एक फूडी ब्लॉग के ज़रिए लाखों नौजवानों को अपनी तरफ रागिब किया और इसके बाद इस चैनल के ज़रिए कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स और प्रोडक्ट को प्रमोट भी किया। इस नौजवान की ख़ास बात ये रही कि वो अपने बल पर फूड ब्लॉग्स बनाए जो टेस्ट में बेहतर हो, इन्हीं को अपने चैनल से प्रमोट किया। अब वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग हेड भी हैं और इनके ज़ेरे निगरानी कई नौजवान जुड़े हुए हैं। इस मेहनती, हुनरमंद, कई खूबियों से मालामाल इस नौजवान का नाम फराज सिद्दीकी है। दोस्तों, आँखों का देखना और लफ्ज़ों से चखना और ये देखने के बाद दिल ललचाना है ये फूडीज़ का ज़माना। तो आइए मिलते हैं फराज सिद्दीकी से जो अपनी बेहतरीन पेशकश से खानों में अपने लफ्ज़ों के मसाले डालकर नया अंदाज पेश करते हैं। फराज सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है, वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस शो में आए। शुक्रिया मेरे को शो पे बुलाने के लिए पहले तो, और सभी व्यूअर्स को सलाम। फराज सिद्दीकी साहब, आपने जिस दौर में फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की जी, यानी करियर की इब्तदाई दौर की बात हम करें तो बहुत सारे आजकल फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं और इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जी, लेकिन जिस दौर में आपने शुरुआत की थी और लोग इसको किस वे में लेते थे वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, मैं 2016 में शुरू किया था, लेकिन वो टाइम पे जब मैं शुरू कर रहा था वो टाइम पे काफ़ी लोग मजाक भी बनाए, किसी को समझ में नहीं आया मैं कर रहा हूँ क्या। थोड़े लोग सोचे, मैं उस दौरान कॉलेज में था तो मैं फाइनल ईयर में था, तो थोड़े लोग सोचते थे पढ़ाई छोड़ के ये क्या काम में लगे हुए हैं, क्योंकि सबके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट ये जॉब प्रोफेशन था, लेकिन आज ये भी प्रोफेशन है। और मैं
अगर देखा गया तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आगे चल के करने क्या वाला हूँ, बट इससे मेरे को एक रास्ता मिला जब मैं शुरुआत किया। तो ब्लॉगिंग से फिर मैं मेरी मार्केटिंग कंपनी इस्टेब्लिश किया, फिर रेस्टोरेंट में लाइन में घुसा। तो ये मेरी जर्नी थी। लेकिन एक बात है फराज सिद्दीकी साहब, आज जिस तरह इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं या फिर फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं जी, तो आप इन लोगों को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? खैर, जब हम शुरुआत कर रहे थे, जब हार्डली गिने चुने एक चार पांच लोग थे जी, बट अब देखते देखते कोविड आया, कोविड के बाद और ब्लॉगर्स बढ़े, फिर बढ़ते बढ़ते अभी ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ हो गई कि हर कोई करना चाह रहा है। बट मैं ये सोचता हूँ कि अच्छी बात है इतने लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे कर ब्लॉगिंग में घुस रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक हिसाब से, एक ईमानदारी से ब्लॉगिंग करना। कि अभी क्या हो गया, ब्लॉगिंग एक दो लोग थोड़ा इधर उधर करने की वजह से दूसरे चार लोगों का नाम ख़राब हो रहा है उसमें। तो ब्लॉगिंग जो किया जाता, लोग कमा रहे ब्लॉगिंग से भी, प्रोफेशन बना रहे ब्लॉगिंग को, बेशक कमाना चाहिए, बेशक प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक हिसाब में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप बिज़नेस को चार्ज कर रहे हैं। हैदराबाद मार्केट के बारे में बताता हूँ मैं, ज़्यादा इंडिया नहीं, बट यहाँ पे फूड मार्केट काफ़ी कठिन मार्केट है। तो उसमें उसमें काम करना और साथ में फिर पेमेंट्स भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो थोड़े अगर जो बिजनेसेस को वाकई ज़रूरत है, थोड़े जो कर सकते, आज भी है थोड़े ब्लॉगर्स जो सिर्फ पैशन के लिए करते, जो खाली जाके जगह को मदद करने के लिए करते। और मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं उन, और अभी जो नए वाले जो आए, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बैठ के सीखना कि कैसे उसको, कैसे एक रेस्टोरेंट के साथ आप रिलेशन फॉर्म करना, आप कमाइए लेकिन थोड़ा हिसाब किताब में। सही बात। एक चीज़ मुझे जहन में आती है फराज सिद्दीकी साहब, कि क्या वजह है कि आपने फूडीज के तौर पर अपने आप को सोशल मीडिया से जोड़ लिया और फिर आपने ब्लॉग बनाना शुरू किया? क्योंकि और बहुत सारे चीज़ें भी थी, आप चाहे तो मेरा वो फूड का जो शुरुआत का था, ख़ानदानी शौकीन है पहले तो खाने के। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जो कॉलेज में पढ़ा वो एकदम सिटी के बीचों बीच था। अच्छा, तो हमारा रोज़ लंच कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में इधर उधर होता, आउटस्कर्ट्स पे नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज से जहाँ मैं पढ़ा सिटी के बीचों बीच था, तो रोज़ खाना इधर उधर बाहर होता। तो मेरे को तस्वीर खींचने की बहुत आदत थी खाने की। पहली पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात कर बात जैसे तोता मैना, कहूँ और जैसे मोर नाच तेरे लिए ना, हम चोरी चोरी चुपके से आए हम बिना, तेरी कारी कारी लट उल जाए सजना, डूब जाए तेरी अंखियों में मेरी दुनिया, कर जाए मजबूर मुझे तेरी बतिया, बुलाए ना। वो होते 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 मैं कई बार, मेरे सोशल मीडिया पे ऐसी स्नैपचैट सोशल मीडिया है मैं डालता था, तो मेरे को काफ़ी लोग, मेरे दोस्त बोलते थे अरे कुछ गूगल पे रिव्यूज़ तो भी लिखना शुरू करो, इतना खाने के फ़ोटोज़ डालते रहते। तो मेरे पास इतने सारे खाने के फ़ोटोज़ पड़े रहते। मेरी एक बहन है जो ब्लॉगिंग वो टाइम पे उन्होंने भी शुरू की थी। अच्छा, मेरे से भी पहले। अच्छा, खाने पे नहीं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर थे उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने वो महीने में, फरवरी का महीना था जब मैं शुरू करा, वो महीने में सबको बोले कि आप अपने अपने तस्वीर भेजिए, मैं अपने पेज पे डालती हूँ खाने की। अच्छा, तो महीना ख़त्म होने पे आ गया, वो एक महीने का चल रहा था सिलसिला। अच्छा, महीना ख़त्म होने पे आ गया, मेरे पास फ़ोटोज़ रखे हुए थे। मैं मेरी बहन को कॉल करा, मैं बोला कि ये फ़ोटोज़ है, अगर आप डालते तो ले लो। उन्होंने वो फ़ोटोज़ डाले, उन्होंने डाल, मेरे को बहुत अच्छे दिखे पेज पे, बहुत अच्छे दिख के आ रहे मेरे फ़ोटोज़। मैं उसी रात बैठ के सोचा कि मैं कुछ पेज बना के मैं भी शुरू करता हूँ। अच्छा,
आई थिंक 11:30 कुछ हो रहे थे, 15-20 मिनट में मैं नाम सोचा स्पूनफुल, मेरा पेज रेडी हो गया, नेक्स्ट डे से मैं उस पर पोस्टिंग शुरू कर दिया। तो एकदम बैठे बैठे रात में एक आइडिया क्लिक हुआ, मैं शुरू करा, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, काफ़ी लोग पसंद करना शुरू करे मेरे काम को। फिर मेरे को दूसरे कंपनी से ऑफर आना शुरू हुए कि आप ये हमारा पेज पे डालिए, मैं आपको आप यू नो पैसे मिलेंगे आपको इस चीज़ के। तो मैं परेशान कि इसके लिए पैसे भी मिलते। तो फिर मैं रियलाइज़ करा कि ये जो कंपनीज मेरे को कांटेक्ट कर रहे थे वो ब्रांड्स नहीं थे बल्कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज ब्रांड्स के लिए कॉल कर रहे थे मेरे को, जो वो ब्रांड को संभाल रहे थे। तो मेरे को या दिल्ली से आते थे या बॉम्बे से कॉल्स आते थे, तो मैं सोचा शायद हैदराबाद में मार्केटिंग कंपनीज उतने नहीं है। तो वो मेरे को आइडिया है कि मार्केटिंग कंपनीज भी शुरू करेंगे। क्या बात, तो वैसा करते करते आज कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। माशाल्लाह। हाँ, तो 25 लोग की टीम है टोटल। अच्छा, जी डिजिटल कंपनी आप जी जो है संभालते जी हैं, माशाल्लाह 25 लोग आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं। जी बहरहाल अल्लाह करे कि 100 200 बल्कि 1000 लोग इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह कंपनी में आ जाएं और इंशाल्लाह आपका बिजनेस ऐसे ही परवान चढ़ाएं। हमारी तो यही नेक ख्वाहिशात है। लेकिन एक चीज़ है फराज साहब, कि जब आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, आपका तो ये शौक था, आपने जिस तरह बताया कि आपकी बहन ने आपको प्रेरणा दी या फिर उनके सुझाव की वजह से आप इस लाइन में आए, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि भाई ये जब मैं कर रहा हूँ तो तालीम मुतासिर होगी या पढ़ाई पे थोड़ी सी यानी स्टडी जो आप कर रहे हैं कम टाइम दे पाऊँगा? ये मेरे से ज़्यादा मेरे पूरे करीबी लोगों को लगा। अच्छा लेकिन मेरे को ये था कि अब मैं फाइनल ईयर में आ गया था तो मेरे को वो कंप्लीट करना ही है हाल में। बट अच्छा मेरे को मेरा ज़्यादा दिमाग इस पे लगा था कि इसको कैसा कंटिन्यूटी में रखना, अच्छा इसको कैसा आगे बढ़ाना आगे चाहिए। बढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि मेरे को काफ़ी मेरे करीबी दोस्त लोग भी सोचे मैं क्या ये बेवकूफ़ी का काम कर रहा हूँ, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के। बट मेरे माँ बाप का एक चीज़ था कि उनको भी समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी भी मेरे को हमेशा साथ दिए कि जो भी कर रहे ठीक है, सही आगे बात, जाके कामयाबी मिलना उसमें। मेरे वालिद साहब स्पेशली ये दिए कि मेरे को कभी भी ऐसा मार्क्स 90% लाओ ऐसा नहीं था। मेरे वालिद साहब ये बोले कि पास हो लेकिन ज़िंदगी में कामयाब रहो। क्या बात है, क्या तो बात वो मेरे दिमाग में हमेशा थी। फिर मेरे ताया ताया बिजनेस में, है। अच्छा तो ताया की ये सीख थी कि जितना हो सके बिजनेस लाओ, बाकी काम पूरा लोगों से करवा सकते तनख्वाह दे के। तो फोकस ये रखो कि बिजनेस आ रहा तो बाकी काम चलते रहता। तो ये दो चीज़ दिमाग में थे मेरे, अच्छा तो वो चीज़ रखते हुए मैं आगे बढ़ा। फिर मेरा जो पेज भी था मैं कोशिश करा कि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे मैं पोस्टिंग करूँ उस पर। बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, काफ़ी फेमस हो चुका था तो फिर लोग जानने लगे। शुरू के 2-3 साल मैं अपना तस्वीर ही नहीं डाला पेज पे, किसी को मालूम भी नहीं था कौन है वो। मैं ये चाह रहा था कि पेज इतना कामयाब होना कि लोग आपकी मजबूर होना कि तस्वीर पहचाने कि कौन है आखिर इसके है पीछे, कौन? मैं खुद से सही अपने आप को नहीं बताना चाह रहा था। बात, तो फिर वो आया, फिर 3 साल के बाद मैं पेज पे डाला, 3 2.5 साल के बाद। अच्छा हाँ, 2.5 3 साल के बाद फिर मैं अपनी फ़ोटो डालना शुरू किया उस पर। अच्छा क्योंकि जैसा जैसा बढ़ते गए इंस्टाग्राम का तरीका भी चेंज हुआ, तो पहले फ़ोटोज़ डालते थे, फिर फ़ोटोज़ वीडियोस पहले कोई डालता नहीं था, नहीं जैसा बिल्कुल रील्स आए अब तो खाली वीडियोस डालते हैं सही लोग, अभी फ़ोटोज़ नहीं डालते। फिर वो रील्स बढ़ते गए, पहले खाने के वीडियोस दिखते थे, फिर उसके बाद आप खुद अगर वीडियो में मौजूद है तो वो वीडियो और अच्छा कर दी। अभी आजकल वॉइस ओवर्स भी आ गए, पहले सिर्फ गाने रील्स में अटैच होते थे। हाँ सही बात है। तो ऐसा ऐसा बढ़ते गया। बहुत सारी तब्दीलियां भी आई इंस्टाग्राम में। लेकिन फराज साहब, क्या वजह है कि आजकल आप फूड ब्लॉगिंग उतने ज़्यादा नहीं करते हैं? 2-3 रीज़न है। एक तो ये है कि
मार्केटिंग कंपनी होने के खातिर हम लोग खुद इतने FN रेस्टोरेंट्स का मार्केटिंग करते, हमारी कंपनी 80 से ऊपर रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग हैदराबाद में कर चुकी और अच्छा काफ़ी नामचीन नाम है हैदराबाद में जिसकी माशा हम मार्केटिंग करते हाँ बिजनेस ग्रो करने के लिए, ओके तो बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो वो एक रीज़न है, वो एक है कि मैं वहाँ पे उनका काम करते करते मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता कि, बट मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि मार्केट में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया कि लोग कैसे तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, एक सर्टन तरीका होना चाहिए कि जी कैसा काम कर रहे। थोड़े बहुत मार्केट में ब्लॉगर्स आ चुके हैं जहाँ पे दो चार की वजह से दूसरों का नाम खराब भी हो सकता है, तो वो मेरे को तरीका समझ नहीं आ रहा। जो सच्चाई है काम की वो नहीं नहीं दिख रही अभी। पहले पूरा लिखते थे आर्टिकल्स, रिव्यू अगर करते थे, मैं हमेशा रिव्यू बोल के नहीं था, मेरा हमेशा प्रमोट स्लैश मार्केट था, तो मैं कभी भी रिव्यूज़ नहीं लिखता था। अगर मेरे को कहीं का खाना पसंद नहीं आया, मैं उसके बारे में डाल तो नहीं था, मैं ओनर को बोल देता था कि भाई आपका ये सही नहीं था इसलिए मैं नहीं डालता, जो मेरे को पसंद आया वो मैं डालता था। तो लेकिन अब ऐसा हो रहा कि पसंद आओ नहीं आओ, अगर आपको उससे कमाई हो रही है तो वो डाल रहे, वो एक चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ में बदलाव आना ज़रूरी है। बेशक दूसरा ऐसे भी है कि रेस्टोरेंट्स में लोग थोड़े, जो बड़े बड़े नामचीन ब्रांड्स भी है जो आज भी अब मेहनत कर रहे, सामने वाले आके वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बेशक सही बात उसमें एडिटिंग जाती, और आज सो और डिफ़िकल्ट हो गया, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट सोचना पड़ रहा कि उस तरीके से वीडियो जाएंगा। थोड़े ब्रांड्स अभी भी फ्री में कराना चाहते तो, लेकिन जो वाकई हकदार है, मैं बोल रहा हूँ कि वो ब्रांड उनको पैसे भी देना उनके काम के, सही और जो पैसे ले रहे भी उन्हों भी सही काम करके देना सामने वाले के लिए। ई जन्म में रुचि चूड़ा दानी की दोरी के रा ई लोक में वंडी वाच दानी की वेदी करा వేడి వేడనల్లో నెయ్యి చారు కూరలు వెయ్యరా। अच्छा फराज साहब, एक चीज़ हमने जो देखी है वो ये कि फूड ब्लॉगिंग में, यानी ये जो ज़्यादातर फूडीज जो है मेल डोमिनेटेड है, इसकी वजह हम क्या माने? मेरे हिसाब से उतना भी मेल डोमिनेटेड नहीं है, पहले था थोड़ा ज़्यादा मेल्स थे, अभी काफ़ी फीमेल्स भी है इसमें, बट रीज़न एक ये हो सकती कि आदमी ज़्यादा शौकीन है खाने के लिए और ज़्यादा एपेटाइट भी है खाने की, तो अच्छा ज़्यादा घूमना भी होता। ऐसा नहीं कि फीमेल्स का ऐसा घूमना नहीं है, ये नहीं है, बट ये एक रीज़न हो सकता कि जैसा आप बोलते आदमी का दिल का रास्ता पेट से है, तो मे भी वो सही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से। बट अभी अगर आप देखें मार्केट में तो काफ़ी फीमेल ब्लॉगर्स इवन मेल ब्लॉगर्स से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके हिसाब से जी देखिए, जो फीमेल ब्लॉगर्स है बड़ा नज़ाकत के साथ सारी चीज़ें बताती भी हैं, जी और बहरहाल आपको किसी भी हिसाब से दिल कहता है कि भाई यहाँ पर जाकर खाएं, हाँ लेकिन वो सही तौर पे क्या खा पाती हैं या फिर वो डिश का मज़ा उठा सकती हैं, तो आप क्या समझते हैं? ये क्योंकि या फीमेल ले लो अब या मेल ले लो या मैं खुद, ये जो खाने का कॉन्सेप्ट होता, लोग को ऐसा दिखता है कि जितना वह खाना है हम लोग खा रहे, हाँ वज़न बढ़ता है इसमें, लेकिन अच्छा लेकिन वो पूरा ख़त्म नहीं होते। तो ओके ये कैसा वर्क होता कि जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट एक आदमी को नहीं बुलाते, 3 से 4 ब्लॉगर्स को एक टाइम पे बुलाते, तो एक अच्छा हम ग्रुप बैठ के वो खाना मंगाते और थोड़ा थोड़ा चखते, अच्छा क्योंकि पूरा वेस्ट होता ना, सही बात तो है थोड़ा थोड़ा हम लोग चखते, तो सामने वाले के लिए वीडियो में, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम अकेला खा रहे, लेकिन 4 से 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग ये वैसे जितने भी भी आके ब्लॉगर्स खाते। आके मतलब जी पूरा खाना जी बिल्कुल मिल यानी बांट के खाते मिल हैं बैठ बैठ के। के हाँ खाते हैं।
तो वो है हकीकत में, आप कभी वो उतना खाना खत्म नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही सोचता था भाई, जो रील बनाई जाती है उसमें तो तरह तरह की डिशेस रहती हैं, तरह तरह के मीठे होते हैं तरह, लेकिन जो है एक आदमी बेचारा बैठ के वो बोले जा रहा है, देखिए ये मीठा फलां उसके अंदर, फिर वो डिश ख़त्म हो जा रही है, तो मैं बोला वाह, फिर ये बेचारे का वेट भी वैसे का वैसे ही है, बढ़ भी नहीं रहा है थोड़े क्या। जो किस्मत वाले रहते जिसका वेट नहीं बढ़ रहा, हम खाना सूंगे भी तो हमारा वेट बढ़ेगा। ये अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जायका जिस कदर लजीज होगा, बनाने वाला भी अजीज होगा, आप क्या मानते हैं? ये बात तो सही है आपकी कि बनाने वाला तो अजीज होगा ही, बट आजकल बनाने वाले से ज़्यादा सर्व करने वाला, ऑर्डर लेने वाला मैनेजर और ज़्यादा अजीज हो रहा है, अच्छा। और अगर उसमें डिस्काउंट मिल गया तो बहुत ही अजीज हो जाएगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो ये जो अजीज है, सर्व करने वाला अजीज हो गया है, जी जबकि बेचारा जो बनाने वाला है काफी मेहनत किया है उसके पीछे, उस डिश के पीछे, जी वो तो बेचारा कहाँ है पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, सही बहुत है। कम, बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स वो शेफ को आगे बढ़ाते, बढ़ावा देते, लोग से मिलाते, बट उसमें आजकल की मार्केट के हिसाब से ये भी तो उनको मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर किसी और को पसंद आ गया तो थोड़ी तनख्वाह और देंगे, वो उनको दूसरे रेस्टोरेंट में खोल अरे क्या लेंगे। बात है, क्या बात है, तो ये इसलिए भी जो अजीज है, जो जिसके हाथ की कला है, उनको पीछे रख रहे हैं। अच्छा। बहरहाल, थोड़ा सा मैं फराज साहब आपको रोकना चाहूँगा, तो नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट की भी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह।